पे जैसे उनकी सरकार में बदमाशों के और गुंडों के हौसले बुलंद थे, तो हमारी मोदी जी और योगी जी की सरकार में ऐसे अराजक तत्वों ने सबने घुटने टेक रखे हैं। ये तो उनकी बात सही है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि बदमाशों के हौसले पस्त हैं और उन्होंने हमारी सरकार सामने घुटने टेक दिए। नव में विवेक तिवारी का फर्जी इनकाउंटर करके उसकी हत्या कर दी गई और पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं देश में भयव्याप्त है। उसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो पुरातन से रामलीला चली होती चली आई, जिस तरीके से असत्य के ऊपर सत्य की जीत होती है, उसी के प्रतीक के रूप में रावण को जलाया जाता है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भयभीत होकर के रावण ने भी, और जो भ्रष्टाचार की निशानी है जिसके चलते रावण के घुटने टूट गए, मैं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और रावण ने घुटने टेक दिए रामलीला कमेटी के आगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस की, भ्रष्टाचार की आगे।